वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मुझे माइनक्राफ्ट में रेडस्टोन बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा रेडस्टोन किया है। पर आज सुबह जब मैं आराम से हक तक इंस्टाग्राम स्वाइप कर रहा था तब मुझे अमेज़न पर एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिससे हम माइनक्राफ्ट के रेडस्टोन को रियल लाइफ में कर सकते हैं, और वो देखकर गाइस मेरे दिमाग का भाजीपाला हो गया। ये हम लोग रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए गाइस आज मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से रियल लाइफ माइनक्राफ्ट का रेडस्टोन, जिसको आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आज। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली एक सेकंड, ये दरवाजा बंद करना हमेशा प्रॉब्लम होता है मेरे लिए। तो ऑलराइट गाइस, फाइनली अपना ये रियल लाइफ का रेडस्टोन का डब्बा आ चुका है और इसके अंदर वो सारे चीजें जिनके साथ आज मैं रियल लाइफ में रेडस्टोन बनाने वाला हूं। गाइस अगर तुम मुझे जानते हो तो पता है कि मुझे रेडस्टोन कितना ज्यादा पसंद है माइनक्राफ्ट के अंदर, और आज मेरे पास एक ऐसा चीज है जिसके साथ मैं लिटरली रियल लाइफ में माइनक्राफ्ट बना सकता हूं। आई मीन रियल लाइफ में माइनक्राफ्ट का रेडस्टोन कर सकता हूं। ठीक है, एक गोटे इधर कैमरा पकड़। ये तूने बनाया? ये क्या बनाया तू? रेडस्टोन। तेरे किसने बोला रेस्टोरेंट है? आलू लग रहा है आलू। ये ऐसा रेस्टोरेंट कौन बनाता आलू जैसा? ये गोटिया का ना ड्रॉइंग बंद करो, मेरे को लग रहा है मेरे को ना इधर ऐसा लिख के रख देना चाहिए, गोटिया इज गू। यस, कमेंट डाउन एवरीबॉडी, गोटिया इज गू। सब लोग कमेंट स्पैम करते रहो, गोटिया इज गू। तू मुझे गलत मत बोल, तू ये देख कि तू खुद क्या है। So, all right guys, ये है वो हमारा रेडस्टोन का डब्बा जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए रियल लाइफ रेडस्टोन को बनाने के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलर प्रोजेक्ट, मतलब इस डब्बे के अंदर जो चीजें हैं उसके साथ हम लोग बना सकते हैं एक वाईफाई कंट्रोल कार, एक वाईफाई डोर लैच। और ये डोर लैच पढ़ के मेरे को ना रेडस्टोन के दरवाजों की याद आ रही है। बाय द वे ये डब्बे में ना यहाँ पर इन लोगों ने लिख के दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। इस चीज के अंदर है पावर, पावर स्नैप, इन आउट लैंप, डिस्टेंस, डार्क सेंस, और ये सारी चीजें देखकर ना मेरे को लिटरली रेडस्टोन की याद आ रही है। मतलब रेडस्टोन के अंदर भी ये चीजें होते हैं, कंपैरेटर, रिपीटर, और उसके साथ हम बना सकते हैं ये स्विच, वो स्विच, अलग अलग चीजें। और इस डब्बे के पीछे साइड इन लोगों ने ड्राइंग भी दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट इनसाइड दिस बॉक्स, हम लोग इसमें ये वाला गाड़ी बना सकते हैं जो कि एक रेसिंग कार है, एक डार्क सेंसिंग रोबोट हो सकता है, एक मैजिशियंस रोबोट हो सकता है, एक फॉलो मी रोबोट हो सकता है। गाइस आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी चल के बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अनबॉक्सिंग टाइम गाइस। ऑलराइट, तो ये डब्बे में सबसे पहले यहाँ पर अबे कितना मोटा रबर बैंड लगाया है भाई। ये रबर बैंड का साइज देखो गाइस, ये कितना बड़ा रबर बैंड है। पर मेरे को जानना है कि अगर मैं ये रबर बैंड से गोटिया को मारता हूँ तो क्या गोटिया को लगेगा? गोटिया आर यू रेडी? अच्छा लगा, ही नींद गिर गया। अरे गोटिया, ये डब्बे के अंदर ना एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो हम पढ़ना भूल गए थे। इधर ये देख, इधर लिखा है यूज अंडर एडल्ट सुपरविजन। अभी देखो गाइस, मैं एडल्ट हूं राइट? तू क्या नहीं बोल रहा है? एडल्ट है मैं, बड़ा बच्चा है मैं। यस, मैं बहुत बड़ा बच्चा है। तो गाइस हम लोग आज रेडस्टोन करने वाले गोटिया के एडल्ट सुपरविजन के अंडर। गोटिया तू एडल्ट है? हाँ, तो तुझे सुपरवाइज करने का, ठीक है आज? ओके चलो डब्बा खोलते हैं। तो डब्बा खोलते हैं, डब्बे के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देख कितना ऐसा गूसा एक साइकिल है। अच्छा साइकिल है, ओके। और यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले वारंटी कार्ड है जिसको हमें कुछ जरूरत नहीं है तो फेंक दिया उसको हमने। और उसके बाद अंदर यहाँ पे ऐसा बच्चों के फोटो दिए हुए। और गाइस देखो, ये एक भी बच्चा एडल्ट सुपरविजन में नहीं बना रहा है, देख रहे हो? ये हर एक बच्चा खुद बैठ के बना रहा है, कोई भी एडल्ट सुपरविजन में नहीं कर रहा है। मतलब मेरे को जरूरत नहीं है, गोटिया जा घर पे, जाता जरूरत नहीं, जा निकल यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। बट नहीं, मेरे को तेरा जरूरत है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इधर आ। ऑलराइट, तो इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर पावर ब्लॉक्स है, इसके अंदर वायर टैप बॉक्स है, इसके अंदर लैंप बॉक्स है, इसके अंदर बस बॉक्स है, मोटर ड्राइवर बॉक्स है, डार्क सेंसर बॉक्स है, डिस्टेंस सेंसर बॉक्स है, इन्वर्ट बॉक्स है। और मेरे को ये एक भी बॉक्स के बारे में नहीं पता कि ये कौन से बॉक्स है, ये क्या करता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक रोबोटिक्स प्लस IoT कुछ तो एक किताब दिया हुआ है जिसके अंदर ने बताया कि हम इसको वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाईफाई चिप दिया हुआ है अलग सा, तो हम लोग सीधा वाईफाई चिप को लगा सकते हैं जिससे ये चालू हो जाएगा। और अगर हमने गाड़ी बनाया तो हम गाड़ी को अपने फोन से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ओपी चीज है। तो इसके अलावा यहाँ पर है वाईफाई स्विच बोर्ड। इस चीज को मैं मेरे स्विच बोर्ड में लगा सकता हूँ और मैं चीजों को वाईफाई से ऑन ऑफ। ये मैं बना रहा हूँ, मेरे को चाहिए भाई, मेरे को चाहिए। पंखा बंद कर देंगे डायरेक्टली वाईफाई से, लगाओ पंखा बंद। मुझे पता है बचपन से ऐसा कुछ चाहिए कि मैं रिमोट से फैन को ऑन ऑफ कर सकूं। तुझे भी चाहिए गोटिया?
मुझे लगता है गाइस ये सब लोग का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये तुम लोग का ही प्रॉब्लम है। तुम लोग को भी शायद से चाहिए कि फैन रिमोट से बंद चालू हो। भाई फैन के लिए उठना यार। आज हम लोग शायद से बना लेंगे ऐसा कुछ जिससे हम लोग फैन को चालू बंद कर सके बिना बिस्तर से उठे। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो भी है बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बना सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे वाईफाई कर्टन ओपनर बना सकते हैं। और बट आई थिंक सो आज के लिए मैं एक वाईफाई वाला गाड़ी बनाने वाला हूँ। तो डब्बे में इसके अलावा यहाँ पर रोबोटिक कार, ये क्या है बे? ओ अच्छा, तो ये पूरा कार का ढांचा है, मतलब अपने को इसको काट काट के कार बनाना है। ओ गाइस मुझे जस्ट पता चला है कि तुम लोग में से 69% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो जल्दी नीचे देखो, अगर तुम्हारा सब्सक्राइब बटन सफेद है तो उसको जल्दी से ऐसा टपली मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने को जल्दी 10 मिलियन पहुंचने का है। और उसके बाद अंदर दूसरा क्या है, स्मार्ट स्टडी लैंप। ओके सो ये स्मार्ट स्टडी लैंप का पूरा स्ट्रक्चर है जिससे ये बनने वाला है। तो अपन सिर्फ इसको काट के इसको अपने को बस जोड़ना है और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक वाईफाई मोबाइल विट मोबाइल है। एक सेकेंड, मेरे को ये ज्यादा कूल लग रहा है क्योंकि इसमें ना स्क्रू ड्राइवर नहीं दिया है। इसमें स्क्रू ड्राइवर दिया, इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं दिया, तो मेरे को ये ज्यादा कूल लग रहा है। मेरे को क्या लगता है गोटिया, अपने को ये बनाना चाहिए। मालूम है क्यों? इसमें दो चक्का है, इसमें चार चक्का है। मोर द चक्का बेस्ट द गाड़ी, है ना? तो अपन ये बनाएंगे आज। ओके, तो उसके अलावा अंदर यहाँ पे एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए। ओके, गिफ्ट में क्या है? अबे यार पंखा दिया है इसके अंदर। और ये क्या है, ये क्या है? और इसके अंदर एक और पंखा है। ओके, तो छोटा पंखा, बड़ा पंखा, दो पंखा दिया है और ये दिया है। साला मेरे को लगा कुछ खाने का बिस्किट निकलेगा अंदर से यार। पर एनीवे, इसके डब्बे के अंदर यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं। ये रहा कुछ तो डिस्टेंस, ये रहा IR, ये है डार्क, और ये मुझे पता नहीं कैसे काम करता है। इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं। ये लिटरली हमारे रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स है। मतलब तुम आज ऐसा इमेजिन करो कि जैसे हम लोग जेब में कंपैरेटर ले घूमते, ये पकड़ लो अपने कंपैरेटर है, और अपने पास ऐसा एक रिपीटर होगा। अपने को क्या करना है, इसको बस ऐसा लेना है और इसको ऐसा इसके अंदर लगा देना है, और अपना कनेक्शन बन गया। ये बन गया अपना लिटरल रेस्टोन का कनेक्शन। ऑलराइट गाइस, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मेरे को चले कुछ तो कीड़ा करना है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर देखे तो यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉक्सेस है। यहाँ पे ये चीजें है, ये वायर टैप और क्या, ये आपस में, ओ यस, ये ऐसा आपस में लगा हुआ, इसको लोग आपस लगा सकते, निकाल भी सकते। और ये रहा लैंप बॉक्स, और एक छोटा सा एक LED बल्ब भी दिया हुआ है तो इससे जल सकता है। और ये है पावर वाला। ओके, तो पावर वाले के अंदर ये लगता है ऐसा, और इसमें पीछे हम लोग शायद से बैटरी लगा सकते हैं, और यहाँ पर इन लोग ने एक साथ में बैटरी भी दिया है। तो गाइस मेरे को ना अभी एक छोटा सा चीज ट्राई करना है, मेरे को ट्राई करना है क्या ये चीज एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर मैं ये बैटरी को प्लास्टिक से निकालू, ये प्लास्टिक को किसने लोहे से बनाया क्या? क्या बोला तूने? ये प्लास्टिक को किसने लोहे से बनाया क्या? ये गोटिया खोलना, तेरे को खुलने आ रहा है क्या? भाई ये प्लास्टिक का रैपिंग लोहे का रैपिंग है। ओ निकाल दिया गोटिया ने, वेरी गुड। इसीलिए गाइस तुम्हारे पास होना चाहिए एडल्ट सुपरविजन, ताकि तुम्हारे बैटरी का प्लास्टिक खोल के दे। तो ऑलराइट, अपन ने ये बैटरी का प्लास्टिक खोला है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ना इस चीज को लगाएंगे। और गाइस अगर तुम लोग ये खुद से कर रहे हो ना, सच में थोड़ा संभाल के करो, बिकॉज ये थोड़ा सा ना रिस्की हो सकता है ये बैटरी के साथ, तो थोड़ा संभाल के चीजें करना। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पर इस बैटरी को लगा दिया है, अभी अपने को इसको लगाना है यहाँ पर। इस लैंप को अगर मैं इसके आगे लगा दूं और फिर मैं इस बैटरी को इस पे कनेक्ट करूं, होप ये मेरे हाथ में ना फटे, और अगर मैं इसको चालू करूं तो लाइट चालू हो गया। भाई ये तो एक्चुअली रेस्टोर जैसा है, मतलब मेरे को लिटरली रेस्टोर वाला फीलिंग आया इसमें। मतलब ये देखो, ये मेरा रेस्टोर का ब्लॉक है जिससे पावर जा रहा है, फिर वो पावर जो है मैंने रेस्टोर डस्ट के मदद से लाके कनेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लगाया एक स्विच, स्विच के आगे मैंने लगा दिया एक रेस्टोर का लैंप, और अभी अगर मैं स्विच को ऐसे ऑन करता हूँ तो रेस्टोर का लैंप ऑन हो गया। भाई ये क्या ओपी चीज है यार। वेट अ सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुटिया यहाँ पर ना इन लोगों ने ऐसा मोटर दिया है ना, ये मोटर है ना, तो क्या मैं ये मोटर को आई डोंट नो। ओके, तो मैंने इससे इसको निकाल दिया, और अभी जो स्पेशल गिफ्ट वाले के अंदर अपने को ये मिला है, अगर मैं इसको इसके अंदर डालने का ट्राई करूं, ओके ये यहाँ पर चला गया अंदर, और अभी अगर हम इसके ऊपर इस बड़े वाले पंखे को लगा दे, जो नहीं लग रहा है, छोटा वाला पंखा, ओके छोटा पंखा लग गया। अभी मेरे को बस इसके ऊपर ये लगाना है पावर वाला ब्लॉक्स, अगर मैं इसको ऑन करूं ये पंखा घूमना चाहिए।
भाई सीरियसली यार, ये मुझे एक्चुअली रेडस्टोन वाला वाइब्स दे रहा है यार। तो अभी गाइस हमारे पास इस डब्बे का सबसे ज्यादा स्पेशल ब्लॉक है, और ये ब्लॉक आई डोंट थिंक ये ब्लॉक माइनक्राफ्ट में है, बट ये ब्लॉक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये है इस डब्बे का द वाईफाई ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के आगे हम लोग जो भी ब्लॉक लगाएंगे उस ब्लॉक को हम लोग वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन के साथ। मतलब ये है एक वाईफाई ब्लॉक, मतलब इसमें एक वाईफाई का चिप लगा हुआ है और फोन के वाईफाई से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यार मेरे को ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये हम लोग ने स्टार्ट किया जस्ट रेडस्टोन से, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेडस्टोन प्लस प्लस तक। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपना वाईफाई ब्लॉक। हमें क्या करना है, हमें पावर ब्लॉक को लेना है जिसे बैटरी लगा हुआ है, उसको लगाना है अपने वाईफाई ब्लॉक के पीछे। तो अभी अपना पावर बैटरी से वाईफाई ब्लॉक पे आ रहा है। तो वाईफाई ब्लॉक के आगे हमको यहाँ पे दो आउटपुट दिख रहा है, मतलब हम लोग इस पे दो अलग अलग आउटपुट दे सकते हैं और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें इसको चालू करना है कि हमें इसको चालू करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेने वाले ये बस वाला और बस को लगा देंगे, और हम लेंगे ये लैंप वाला और लैंप को हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। अभी हमें बस पावर को ऑन करना है, और पावर को ऑन करते ही ये चीज चालू हो जाएगा। इस पे लाइट जल रहा है, ये चीज ऑन हो चुका है। अभी हमें बस फोन निकालना है, फोन पे मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमको सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करना है। ऑलराइट गाइस, तो अपना वाईफाई फोन के ऐप से कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है वो ये वाला ऑप्शन है। मतलब अगर मैं 1 को प्रेस करूं तो यहाँ पर ये बस चलना चाहिए। 3, 2, 1। ओके भाई, ओके, अपना वाईफाई ब्लॉक काम करता है। आप देखते हैं दूसरा प्रेस क्या होता है। तो दूसरे वाले पे अपन ने लगाया लैंप वाला ब्लॉक, तो मैं इसको अगर प्रेस करता हूं तो लाइट चालू होना चाहिए। यस, लाइट चालू हो गया। बट एक सेकंड, मेरे को एक चीज देखना है कि क्या हम लोग इस सिग्नल को इन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पहले एक इन्वर्ट लगा दे और हम लोग फिर आगे एक लैंप लगा। ओ भाई, ये एक्टिवली इन्वर्ट हो रहा है। मतलब देखो सिग्नल यहाँ से ऑन भी नहीं है, लैंप चालू हो गया। मैं अगर इसको ऑन करूंगा तो लैंप बंद हो जाएगा। अबे भाई यार, ये क्या खतरनाक चीज है भाई, ये लिटरली रेडस्टोन है, ये बहुत खतरनाक है। और अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो फोन का ऐप है, इस फोन के ऐप के अंदर यहाँ पर स्विच टू स्पोर्ट्स मोड, और अगर हम स्पोर्ट्स मोड पे क्लिक करते हैं तो ये एक गाड़ी का लेआउट आ चुका है। ये लिटरली एक आरसी कार का कंट्रोल लेआउट है। मतलब इससे हम लोग गाड़ी को मूव कर सकते हैं, इससे हम लोग गाड़ी को आगे ले सकते हैं, और ये एक्चुअली कंट्रोल जा रहा है यहाँ से वहां तक। इसके साथ मजा आने वाला है। आज की वीडियो में आगे हम लोग एक ऐसा खतरनाक सा आरसी कार बिल्ड करने वाले हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे अपने फोन से, और उस आरसी कार को पूरा हम लोग अपने हाथ से बिल्ड करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने चेक कर लिया, ये चीज बहुत ही ओपी तरह से काम करता है। अभी चल के हम लोग कुछ खतरनाक से चीजें बनाने वाले इसके साथ। सो गाइस, पिछले 10 मिनट से ब्लॉक्स के साथ खेल रहा हूं, मैंने रियलाइज किया कि ये ब्लॉक्स ना लिटरली बहुत ज्यादा रेडस्टोन की तरह है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, ये बताया था अपना पावर ब्लॉक है, और ये पावर ब्लॉक के बाद ये जो है डार्क को लिखा हुआ है, ये लिटरली एक डार्क सेंसिंग ब्लॉक है। मतलब इसको तुम कंपेयर कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के डे लाइट सेंसर ब्लॉक के साथ। उसके अलावा ये हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, ये एक लैंप बॉक्स है, ये एक बस बॉक्स है, और ये इसके अंदर ऐसा आया था बट ये टूटा हुआ है, ये देखो ऐसा जहां नहीं रहा, तो मैंने इसको खींच के बाहर ही निकाल दिया, इसको अपन ऐसे रखेंगे। और गाइस, ये जो चीज है ये लिटरली अपने माइनक्राफ्ट का कंपैरेटर है। इस पे लिखा हुआ है इन्वर्ट, और ये सिग्नल को इन्वर्ट कर सकता है, जैसे हम लोग कंपैरेटर में राइट क्लिक करके कर सकते हैं। तो अगर इसमें अपन सिग्नल दे रहे तो ये सिग्नल को इन्वर्ट करके देगा अपने लिए। और उसके बाद ये जो है, ये बेसिकली एक वायर टैप इन्होंने लिख के दिया है, बट ये जो है ये सिग्नल को ट्रांसफर यहां से यहां कहीं भी कर सकता है। और अभी चलकर हम लोग यहां पर कुछ रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले। तो यहाँ पर जो ये कार वार दिया है, हम लोग इसको बाद में बनाएंगे, सबसे पहले ये जो बेसिक चीज है इससे कुछ कंट्रैप्शन बनाते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर ये डार्क को लगा दूं और उसके आगे मैं लाइट लगा दूं, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये चीज काम नहीं करेगा। पर अगर इस कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए तो ये लाइट चालू होगा। और यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये चीज, ये एक सेंसर है। तो अगर मैं इस सेंसर को मेरे हाथ से टच कर दूं और बस ऊपर थोड़ा शैडो क्रिएट कर दूं, यहाँ पे ये चल रहा है। ओके, और अभी अगर अपन इसके ऊपर ऐसा एक इन्वर्ट लगा दे तो ये इन्वर्ट चालू हो चुका है। अभी हम लोग जो भी सिग्नल इसके आगे लगाएंगे वो सिग्नल इन्वर्ट होने वाला है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ये बस लगा दूं, ओके, ये बस चलने वाला है अगर यहाँ पर लाइट है तो, और अगर जैसी लाइट नहीं है अंधेरा हो गया तो ये नहीं चलेगा। रुको एक सेकंड, आई थिंक अपने को थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, अपने को इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे इन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर अपने को इसको ऐसा लगाना पड़ेगा। तो अपना लैंप चालू है, जैसे ही अंधेरा होगा, एक्चुअली अंधेरे में लाइट जलना चाहिए, बट आई थिंक इसके लिए अपने को इन्वर्ट की जरूरत नहीं है। अपन बस इसको डायरेक्टली अगर अपन इसको ऐसा लगा दे,
तो ये चीज जैसे रूम में अंधेरा हो रहा है ये चीज ऐसे होगा, ओके। तो इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने दिया है वो है ये डिस्टेंस वाला चीज। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दू, ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस वाला लगा दिया है। और अभी अगर इसके आगे हम लोग ये बस वाले को लगा दे तो अभी ना इससे हम लोग एक बहुत मजेदार चीज बना सकते हैं। देखो अभी इमेजिन करो हमने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया और अगर इसके सामने कुछ भी ऐसे आएगा तो ये लिटरली आवाज करेगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज के मदद से मैं मेरे दरवाजे पे इसको लगा सकता हूँ और जैसे कोई भी रूम में घुसेगा वो इसके आर पार जाएगा और ये ऐसे जोर से बजने वाला है। भाई ये क्या खतर, भाई ये क्या, रुक जा भाई, ये क्या खतरनाक चीज है बे। और अपने पास ये चीज है, ये बेसिकली क्या कर सकता है, ये सिग्नल को आगे लेके जा सकता है। तो अगर मैं इसके बीच में कुछ चीज लगाऊं और फिर यहाँ पे लगाऊं तो ये सिग्नल है ये सीधा ट्रांसफर करेगा इसके पास। बहुत खतरनाक चीज है। अभी जल्दी चल के कुछ चीजें बनाते और देखते कि चीज काम कैसे करता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग चल के ये वाले गाड़ी को बनाने वाले, तो अपन जल्दी से इनको निकाल लेते हैं यहाँ से और फटाफट से एक गाड़ी बनाते हैं और फिर अपन इस पे सर्किट लगाने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अपने को सबसे ये मोटर लगाना है जिसपे अपनी गाड़ी चलेगी और ये मोटर को लगाने के बाद अपने को यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगाने हैं और फिर उसके बाद हमें बाकी का स्टेप कंप्लीट करना है। ऑलराइट गाइस, तो अपना जो ये गाड़ी है ये गाड़ी बन चुका है। अपन ने इसके अंदर मोटर लगा दिया, चक्के लगा दिए, ये मोटर वाला है और यहाँ पे नीचे अपन ने कुछ ये लगाया तो इससे अपना गाड़ी आगे मूव होने वाला है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इस बैटरी को लेंगे और अपन इस बैटरी को डबल टेप से ऐसे इधर लगा लेंगे तो अपना बैटरी लग गया, नाइस। इसके बाद इसको लगाएंगे इस पावर ब्लॉक के नीचे और पावर ब्लॉक के नीचे लगाने के बाद इसको अपन लगा देंगे यहाँ पर। तो अपना सबसे पहला पावर का जो ब्लॉक है वो इधर लग चुका है, अपना अभी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अभी अपने को क्या करने का, अपने को इन दोनों को चिपकाने का है। तो बेसिकली हम लोग पता है अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली माइनक्राफ्ट का पूरा सर्किट बना रहे हैं ब्लॉक ब्लॉक लगा के, ओके। तो अपन ने दूसरा वाला मोटर ड्राइवर लगा दिया है और अभी अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर ले तो आई थिंक सो अपना ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है। तो गाइस इन 3, 2, 1 गाड़ी उल्टा चल रहा है, ओके। अपने को इन स्विचेस को आगे की तरफ करना है और अभी अगर अपन इसको घुमाएंगे तो 3, 2, 1 गो और ये सब अपना गाड़ी आगे जा रहा है पर अभी अपना गाड़ी आगे जाके सीधा नीचे गिर जाता है। इसके लिए अपने को जो जुगाड़ करने का, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, हमने देखा था एक वो डिस्टेंस रेंजिंग वाला थिंग जिससे वो डिस्टेंस रेंज करके इसको बंद चालू कर सकता है, तो अभी हम लोग उसको यूज करने वाले। तो अपने को गाड़ी को लेना है यहाँ पर और अभी हमारे पास है ये डिस्टेंस वाला ब्लॉक, तो अपन इसको लेंगे। इसका ये IR सेंसर है, इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे इन दोनों पे लगा लेंगे और अभी हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर साइड से ऐसा अटका देने का है। तो अभी ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ना जमीन को सेंस करने वाला है, अगर इसके पास जमीन दिख रहा है तो यहाँ पे जमीन है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। सबसे पहले हम इस डिस्टेंस वाले को लगा लेंगे यहाँ पर, ओके, अपन ने डिस्टेंस लगा लिया। अभी डिस्टेंस के बाद हम लोग लगाने वाले हैं इसको और उसके आगे हम लगाएंगे इसको, ओके, दोनों लग गए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लेना है एक इन्वर्ट ब्लॉक और मुझे इन्वर्ट ब्लॉक को लगाकर मुझे उसके आगे ये बीप लगा देना है। ऑलराइट गाइस, तो अपने गाड़ी का कंट्रैप्शन तैयार हो चुका है, अभी इसको अपन चला के ट्राई करने वाले, ठीक है। तो अगर ये पूरा चीज सही से काम कर गया तो अपना गाड़ी इधर आके रुक जाना चाहिए, इधर से नीचे नहीं गिरना चाहिए, बट अगर ये काम नहीं किया तो ये नीचे गिरेगा और होपफुली टूट जाएगा। तो अभी अगर ये गिर के टूट गया तो ये टूट गया, ठीक है। तो ऑलराइट, अपन इसको ऑन करने वाले इन 3, 2, 1 गो। गाड़ी आके एक्चुअली रुक गया, ओके, रुको रुको रुको, अपन इसको ना यहाँ पे बिस्तर पे टेस्ट करने वाले। 3, 2, 1 गो। और आया आया, ओ, और ये डिटेक्ट मार के रुक गया। तो अभी अगर मैं इसको उठाकर ऐसे डाल देता हूँ वापस तो ये फिर से जाएगा और क्या ब्रेक मारे भाई, लिटरली कोने पे लटक के ब्रेक मारे भाई। भाई ये वाला गाड़ी क्या एपिक काम कर रहा है, लिटरली कोपचे में आके ऐसे रुक के ब्रेक मारा इसने। पर अभी हम लोग इस पे रुकने नहीं वाले क्योंकि अभी हम लोग चल के इसको थोड़ा सा और चेंज करने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मैं इस इन्वर्ट ब्लॉक को यूज करने वाला हूँ और इस इन्वर्ट ब्लॉक के आगे मैं लगाने वाला हूँ अपने मोटर ड्राइवर्स को। और अगर मैं इसके आगे इस सेंसर को ऐसे लगा दूं, यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्स्टिकल रख दूं और इसको मैं चालू करूं तो ये मेरे हाथ के पास आके गाड़ी लिटरली रुक जाएगा और मैं अगर हाथ को दूर लेके जाऊं तो गाड़ी मेरे हाथ को फॉलो करता रहेगा। बस ते भाई ये खतरनाक चीज बनाया मैंने। अभी मैं सोच रहा हूं कि मुझे ना अभी कुछ तो
बहुत खतरनाक करने का है। तो अभी अपन ऐसा कुछ करते हैं जिससे ना ये जो गाड़ी है इसको ऐसा गाड़ी बनाते हैं कि ये गाड़ी चलेगा और जैसे इसको ऑब्स्टिकल दिखेगा ये गाड़ी अपने आप टर्न मार के कल्टी मारेगा। बोटा ऐसा आइडिया मस्त आइडिया ना, आजा करते उसको। ऑलराइट गाइस, तो अभी चल के इसका एक खतरनाक सर्किट बनाते हैं। तो अपने क्या करना है, अगर अपना एक साइड का चक्का बंद हो जाए तो इससे ये ऐसा गोल घूम जाएगा जैसा कि अपने आरसी वाले कार्स में होता है। तो अपन वो चीज को यहाँ बनाने वाले। अगर अपन ये यहाँ पर इस चीज को ले ले डिस्टेंस वाले इस ब्लॉक को, और अगर मैं इसके आगे एक इन्वर्ट लगा दूं और मुझे यहाँ पे एक बज लगाना है जस्ट ट्राई करने के, ठीक है। तो ये ऐसे बजेगा और जैसे ये बंद होगा ये नहीं बजेगा। ये सिग्नल को इन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं ये इन्वर्ट को हटा दूं और मैं इन्वर्ट को हटा के डायरेक्टली बज लगा दूं तो अच्छा। तो ओके रुको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये सिग्नल तभी छोड़ेगा जब इसके सामने कुछ आएगा। अगर इसके सामने कुछ नहीं आता है तो ये सिग्नल नहीं छोड़ेगा। ओके, तो अपन इसको सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर ये चल रहा है तो ये कंटिन्यूस ओके ओके ओके, देखो घूम रहा है। मुझे यही चाहिए था, ठीक है। तो ये घूम रहा है, ओके, ये चीज काम कर रहा है। अभी मुझे इसके आगे क्या करना है, एक ये लगाना है डिटेक्ट वाला, और डिटेक्ट वाले के आगे अगर मैं दूसरे मोटर को लगा दूं तो ये ओके, एक ही घूम रहा है। अच्छा रुको, अभी क्या हो रहा है, अभी इसका सिर्फ एक चक्का घूम रहा है और इसके सामने अगर कुछ आए तभी दूसरा चक्का घूम रहा है। अपने को क्या करना है, अपने को ऐसा कुछ करना है कि इसके सामने जब कुछ आएगा तब दूसरा चक्का नहीं घूमेगा, मतलब उसके बिना वो घूमेगा। अपन इसको निकाल लेंगे और आई थिंक सो हम बस ये सिग्नल को अगर इन्वर्ट कर दे तो ये चीज काम करना चाहिए होपफुली। तो अगर मैं इसको अभी चालू करता हूँ तो दोनों व्हील अगर घूमेगा तो ये चीज काम कर रहा है। ओ यस, ये काम कर रहा है, और जैसे ही सामने कुछ आएगा एक व्हील बंद हो जाएगा। और ये गाड़ी अपने आप आगे जाएगा जैसे ही सामने ऑब्स्टिकल आएगा। गाड़ी एक्चुअली टर्न, ओके, ठीक से ज्यादा टर्न तो नहीं मारा उसने, बट आई थिंक उसने ट्राई किया, इसने अच्छा खासा ट्राई किया। तो फिर से करते इसको, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ ये आगे जाएगा, सामने ऑब्स्टिकल आ रहा है और ओके, हक दिया। अरे यार, मतलब ये सही से काम किया था बट इसका प्रॉब्लम ही यही है। ओके एक सेकेंड, मुझे पास एक आइडिया आ रहा है। रुको। आई थिंक सो अगर अपन इसके डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दे, ओके आई थिंक ये डिस्टेंस मैक्सिमम पे ही था, प्लीज घूम जा। ऑलराइट, ये जा रहा है। अबे ये अपने आप क्यों घूम रहा है, पहले से कुछ काम ही नहीं किया बे नुबड़ा, कुछ काम ही नहीं किया। आई थिंक मेरे को लग रहा है इसके थोड़े से चक्के के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, बट ये चीज एक्चुअली काम किया। मैंने इसको बनाया था कि ये सामने ऑब्स्टिकल आते टर्न मारे और ये एक्चुअली सामने ऑब्स्टिकल आते टर्न मार रहा है, तो ये चीज बहुत मस्त काम कर रहा है गाइस। तो अगला गाइस हमारे पास है ये, और ये है एक लाइट लैम्प। मेरे को पता नहीं किस तरह से लाइट लैम्प है, बट इस पे अभी हम लोग रियल लाइफ रेडस्टोन के मदद से एक ऐसा लैम्प बनाने वाले जो लैम्प चालू तब होगा जब पूरे रूम में अंधेरा होगा। मतलब कि हम लोग इसमें यूज करने वाले डे नाइट सेंसर, और जैसे ही डे नाइट सेंसर को रूम में अंधेरा नजर आएगा ये चालू हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा रेडस्टोन ब्लॉक, जिसको अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसा यहाँ से वायर को निकाल लेंगे, अपन वायर को ऐसा नीचे से निकाल लेंगे और बैटरी को अंदर डाल देंगे, तो ये यहाँ से बाहर आ गया। अभी हमें चाहिए हमारा पावर ब्लॉक, जिसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लगाने वाले, और ये लग गया अपना पावर ब्लॉक। अभी हमें चाहिए हमारा डार्क सेंसर, जो सेंस करेगा कि कमरे में अंधेरा है कि नहीं। काम करते हुए लगा लेते पूरा इसको, तो ये लग गया अपना डार्क सेंसर। और अपना जो लैंप है, लैंप को हमें ना यहाँ पर लगाना है, और डार्क के बाद अगर लैंप लगाऊंगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हमारा रेडस्टोन का रिपीटर। ये अपना रेडस्टोन का रिपीटर है, तो अपन रिपीटर को यहाँ पर डार्क के आगे एक रिपीटर लगा लेंगे, और दूसरे रिपीटर को हम लोग थोड़ा सा हिस्सा घुमा के, आई मीन इसका वायरिंग थोड़ा हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपना रेडस्टोन का पूरा सेटअप लग चुका है, अपना रिपीटर भी लग गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस लैंप को लेना है, हमें इस लैंप को यहाँ पर ऐसे उल्टा लगाना है। तो इस रिपीटर को लेंगे, इस रिपीटर के आगे हम लोग इस लैंप को ऐसे घुसा देंगे, और ये अपना लैंप थोड़ा सा वायरिंग, ओ शिट, ये टूटा तो नहीं ना गोटिया? अगर ये टूट गया ना तो हम लोग जो अगला अपना सुपर कार बनाने वाले वो बना नहीं पाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे इसको लगा देंगे। ऑलराइट गाइस, तो अपना जो डे नाइट सेंसिंग लैंप है वो पूरा बन चुका है, और ये लैंप जो है अगर ये रूम में अभी अंधेरा हो जाएगा तो ये लैंप फटाक से चालू हो जाएगा। गोटिया लाइट बंद कर। भाई लाइट ऑफ होते ही डायरेक्टली लाइट चालू हो गया। अब गोटिया अगर हम लाइट्स को वापस चालू कर दो क्या होगा, क्या लाइट चालू होते बंद हो जाएगा?
यस, लाइट चालू होते बंद हो गया, और अगर लाइट को ऑफ करे, बंद हो बे। भाई लाइट चालू होते ये ऑफ, लाइट बंद होते ये ऑन। भाई ये कितना कूल चीज है यार, मतलब लिटरली रियल लाइफ रेडस्टोन से ये चीज को बनाया है। तो ऑलराइट गाइस, अपना अभी रियल लाइफ रेडस्टोन से ये टॉर्च बना के हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हमारा रिमोट कंट्रोल सुपर कार की तरफ। तो अगला गाइस, हम लोग बनाने वाले एक सुपर आरसी कार जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू अपने फोन से। और ये जो कार है, इस कार को हमें इससे बनाना है, और इसका इन लोगों ने कहीं भी ट्यूटोरियल नहीं दिया है, तो आई थिंक अपने को खुद से बनाना पड़ेगा। बोलते हैं देख, ये बंदा पता है क्या कर रहा है, ये बंदा गंगनम स्टाइल नाच रहा है। देख ऐसा ऐसा गंगनम स्टाइल नाच रहा है। और ये देख, ये पता है क्या है, ये बारबी का पेयर है, काउबॉय बारबी। और ये दो डंबल है, और ये शेवरलेट का लोगो है। मतलब हम लोग आज बनाने वाले शेवरलेट गाड़ी। सो गाइस, ये कार बनाना मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट आई थिंक सब लोग इसको बना लेंगे। तो ये देखकर मेरे को लग रहा है कि अपना जो ये मोटर है, ये मोटर एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाएगा। तो अपन मोटर कैसे लगा लेंगे, तो अपने को बस ऐसे इसके थ्रू स्क्रू लगाना है तीन तीनों साइड से। ओ यस, ये फिट हो रहा है, तो अपने को मोटर सबसे पहले इस पे लगाना है। ऑलराइट, तो अगला आई थिंक सो हमें इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है, और यस ये फिट हो रहा है, और इसको शायद से हमें यहाँ पर, ओ यस ये यहाँ पर फिट हो रहा है, तो इसको हमें साइड से यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे दो होल दिया है, यहाँ पर भी दो होल दिया है, और जो दूसरा मोटर है, ये मोटर पे भी यहाँ पर दो होल्स हैं। तो आई थिंक सो ये होल्स इस मोटर का यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा। पहले इसको हम लोग ऐसा लगा कर ट्राई करते हैं, और आई थिंक सो ये परफेक्ट फिट है यहाँ पर। तो इस मोटर को यहाँ पर ऐसे लगा के ये एक स्क्रू लगा सकते हैं। ओ यस, हमने इसको लगा लिया। तो अपन ने ये पीछे वाले मोटर को भी लगा लिया है, तो अपने दोनों मोटर लग चुका है। ये जो मोटर है, इस मोटर से अपने गाड़ी के चक्के हिलने वाले हैं, बट ये मोटर से आई डोंट नो क्या होगा एग्जैक्टली, बट मुझे इतना पता है कि ये जो पूरा गाड़ी है, इसको हम लोग कंट्रोल करने वाले रिमोट कंट्रोल से। ऑलराइट गाइस, तो अपना ये फाइनली बन चुका है, और ये जो है, अच्छा साला इसको इतने घंटे से बना, ये एक सेकंड में बाहर आ गया निकल के, नुबड़ा कहीं का। एक तो ये बनाना इतना डिफिकल्ट है, इसमें करना क्या, ये समझने में आधा घंटा निकल गया, और अभी ये पट से बाहर आ गया निकल के, नुबड़ा कहीं का। तो ये जो है, ये हमने ये सामने वाले को बना दिया है, और अपना जो पूरा गाड़ी का बाकी का पार्ट है तैयार हो चुका है। पीछे दो व्हील लग चुके हैं, आगे के दो व्हील यहाँ पर ऐसे लगेंगे, और ये हमने फिर साग दिया गाइस। ओके, अभी अपने को इसको बस यहाँ पर ऐसे लगाना है, और इसी के साथ अपना ये गाड़ी तैयार हो चुका है। अब इस गाड़ी का सबसे स्पेशल चीज पता है क्या है, ये गाड़ी को सबसे पहले हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से, और दूसरा ये गाड़ी का जो फ्रंट है वो ऐसा ऐसा गोल गोल घूम सकता है, वो भी रिमोट कंट्रोल की मदद से। ऑलराइट गाइस, गाड़ी का ढांचा बन चुका है, अभी समय आ चुका है गाड़ी पे पूरा सर्किट लगाने का। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पावर ब्लॉक चाहिए, और पावर ब्लॉक को हम लोग लगा देंगे इस वाईफाई वाले ब्लॉक में, और वाईफाई वाले ब्लॉक के एक साइड में लगेगा एक मोटर, और वाईफाई के नीचे वाले इस पे लग जाएगा पीछे वाला मोटर। ओके, ये भी लग गया, तो ये अपना पूरा सर्किट लग गया है, और हमने बस सर्किट को ऐसा इसके ऊपर रख दिया है। गाइस बहुत गद्दार, मुझे पता है माइनक्राफ्ट के अंदर रेस्टोर हम लोग बहुत सुंदर सा बनाते, प्यारा सा बनाते, देख के तुमको लगता है कि वाह क्या रेडस्टोन बनाया, क्या खतरनाक बनाया। और ये देखो, ये लिटरली ऐसे ही बस रख दिया इसके ऊपर। तो ऑलराइट गाइस, अभी समय आ चुका है इसको कनेक्ट करने का मोबाइल ऐप के साथ, और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली खतरनाक चलता है। सो ऑलराइट गाइस, हमने वाईफाई को ऑन कर दिया है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है फोन से। अब एक सेकंड, ये लगाने भूल गए हम लोग, ये इधर ऐसा इसके पूछ पे लगाने का। सो अभी अपना मोबाइल अब कनेक्ट हो चुका है, अभी अगर मैं लेफ्ट डालूंगा तो ये आगे जाना चाहिए, पूछो मत कैसे, बट ये लेफ्ट दबाने से आगे जाना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक रेडस्टोन गाइस, ये लिवरपूल करने से ऐसा होना चाहिए, पता नहीं क्यों बट होना चाहिए। तो लेफ्ट दबाते ही ये गाड़ी अपना आगे जाना चालू होना चाहिए। 3, 2, 1, यस, अपना गाड़ी मूव कर रहा है। और अभी अगर अपन राइट दबाएंगे तो ये जो है ये ऐसा गोल 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 घूमना चाहिए। वन सेकेंड, पूछो मत क्यों, बस घूमना चाहिए। ओके, 3, 2, 1, ओ यस, पूरा गाड़ी को गोल गोल नहीं घुमाने का था, बस चक्का घुमाने का था। ऑलराइट गाइस, अभी इस गाड़ी को जमीन पे चला के ट्राई करते हैं कितना मस्त चलता है। ऑलराइट गाइस, चला के देखते हैं। गोटिया गाड़ी दिखा, 3, 2, 1, ओ गाड़ी क्या, मेरे को लगा था ये सुपर कर रहेगा, ये तो लेंडी कार निकला, ये इतना स्लो चलता है, बट हम इसको टर्न मार सकते हैं। देख गोटिया, टर्न मारेंगे, 3, 2, 1, ये अपन ने टर्न मार लिया। अच्छा ठीक है, हम लोग वाकड़ा गाड़ी चलाएंगे, और अभी अपन इसको फिर से टर्न मारेंगे।
ओह यस, अभी फिर से इसको आगे लेके जाएंगे और हम लोग इसका भी फिर से टर्न मारेंगे। तो अभी अगर हम लोग इसको टर्न मारे और टर्न मारने के साथ साथ इसको आगे लेके जाए तो क्या होगा? डोरेमोन का गैजेट लग रहा है तो। अभी लग रहा है जेब में हाथ डाल के निकाला डोरेमोन, ये एक जगह पे गोल 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 घूम रहा है। ये खतरनाक चीज है भाई। तो गाइस ये था अपना रियल लाइफ माइनक्राफ्ट रेडस्टोन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर अगर सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।